Hey guys, what is up? And today we'll talk about the LG G7 Plus Think. So guys, ये वो फोन है जिसके बारे में शायद ही काफी लोगों ने बात करी होगी, शायद ही काफी लोगों ने कुछ बोला होगा। तो ये फोन ऐसा है जैसा OnePlus 6 है, उसी का थोड़ा सा बेटर वर्जन बोल सकते हो, उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन बोल सकते हो। इसमें भी USB-C है, स्पीकर स्लॉट्स हैं, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, बस एक डेडिकेटेड बटन एक्स्ट्रा है जिसके ऊपर आप गूगल असिस्टेंट चला सकते हो। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिस्प्ले ऑन दिस स्मार्टफोन, 6.1 इंच की डिस्प्ले है जो कि काफी काफी विविड कलर प्रोड्यूस करती है और काफी बेटर है। अगर उसको आप व्यूइंग एंगल से भी देखो तो भी काफी बेटर है। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो चैनल को और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, सो दैट आपको आने वाली सारी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोन ओनली। तो इस फोन में काफी सारी अदर चीजें हैं, काफी सारी डिफरेंट चीजें हैं, लाइक न्यू सेकंड स्क्रीन करके इन्होंने दे दी है जो तुम्हारी नोच उसको आप अपना एक नॉर्मल फोन बना सकते हो, जैसा कि सैमसंग के फोन आते हैं इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ, ऐसे इसको भी कर सकते हो। बाकी जो आपके पास इसमें नोच है, आप नोच के कलर चेंजेस कर सकते हो, राउंड कॉर्नर्स को चेंज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट है, आपको कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं डालनी पड़ेगी। द अदर थिंग इज द फोन रन्स ऑन एंड्रॉइड ओरियो और धीरे धीरे इसके अंदर और अपडेट्स आ रहे हैं। और अगर बैटरी की बात करो तो बैटरी यूसेज भी लगभग ठीक हो जाती है, 3000 mAh की बैटरी है जिसमें आपको बैटरी के लिए भी स्पेसिफिक फीचर्स दिए हुए हैं जो आप देख सकते हो। बस मैं इस फोन से जो भी इंप्रेस हुआ वो कैमरा से, कैमरा इज गुड, कैमरा इज स्लाइटली बेटर देन द अदर स्मार्टफोन दैट कम्स अंडर 30,000 rupees। और यही शायद एक रीजन हो सकता है अगर आप इस फोन को ले रहे हो तो इसका कैमरा स्लाइटली बेटर है उन फोन्स के कंपैरिजन में। ये जो भी शूट किया मैंने, सारा का सारा एक लो लाइट शूट है, एक इंडोर शूट है जिसके अंदर ना इतना लाइटनिंग है, इतना वो है, बट स्टिल जो इसका कैमरा है वो काफी हद तक इमेजेस को बेटर कैप्चर कर पा रहा है। और मैंने कुछ सैंपल शॉट्स भी दिए हैं इस वीडियो के अंदर जो आप देख सकते हो। ये एकदम लो लाइट शॉट है, ये होगा अराउंड 9:30 बजे का, और ये एकदम थोड़ा सा शाम का शॉट है जिसके अंदर मैंने AI और उसके साथ देखा, और ये इंडोर शॉट है जो आप देख सकते हो पोर्ट्रेट और विदाउट पोर्ट्रेट के साथ है। एंड जो वाइड एंगल कैमरा वो भी काफी अच्छा लगा मेरे को। और गाइज अब गेमिंग की बात करें हम इसके प्रोसेसर के अकॉर्डिंग, तो इसमें स्नैपड्रैगन 845 दिया हुआ है, 6GB की रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज है जो कि काफी एक हाई जो फ्लैगशिप होता है उसके ऊपर है। एज सच दिस स्मार्टफोन इज अ फ्लैगशिप स्मार्टफोन, तो आप इतना नॉर्मल इससे कंसिडर कर सकते हो कि हाँ यार इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा बेटर होगी। और थी, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस इस पे गेमिंग का बताऊं तो 1.5 से 2 घंटे तक इस पे आप आराम से गेमिंग कर सकते हो, ये फोन हीट नहीं होगा, बट आफ्टर 1.5 से 2 घंटे ये फोन हीटिंग देना स्टार्ट कर देगा। और आई थिंक वो लिक्विड कूलिंग अगर ये देते इसके अंदर तो ज्यादा बेटर रहता, या फिर कुछ और सॉफ्टवेयर अपडेट दें जिससे थोड़ा सा CPU को क्लॉक रेशियो मिल जाए और वो ज्यादा हीट ना हो पाए। बट फॉर नाउ आई वुड से 2.5 घंटे 2 घंटे के बाद ये हीट ज्यादा हो जाता है, और आई थिंक दैट इज टू मच फॉर मी, सो लीव दैट देयर। नाउ गाइज अगर आप कैमरे की ही बात करो तो जैसा मैंने कैमरे के बारे में बताया, इसमें 16+16 MP के कैमराज हैं, दोनों अच्छे कैमराज हैं, एक प्राइमरी कैमरा भी, सेकेंडरी कैमरा भी, इवन दो द फिंगरप्रिंट ऑन द स्मार्टफोन इज रियली रियली फास्ट। सो आई वॉन्ट से कि हाँ यार बिल्ड क्वालिटी में कुछ इशूज हैं और बाकी अदर कोई इशूज हैं, बस जो थोड़े बहुत इशूज ये लगे, हल्का सा इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, एंड जो सबसे अच्छी चीज है वायरलेस चार्जिंग इसके अंदर और वेदर रेजिस्टेंस है। Thank you so much guys for watching the video. I'll see you in my next one. Do not forget to subscribe to our channel for more videos like this. Peace.